हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं टीथ सेंसिटिविटी की। जो टीथ सेंसिटिविटी है काफ़ी लोगों में देखी जाती है। कुछ लोगों को गर्म से सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को ठंडे से सेंसिटिविटी होती है, और तीसरे प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं जिनको दोनों से सेंसिटिविटी होती है। छोटा सा वीडियो है, कोशिश करते हैं सभी लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। तो देखिए, जो सेंसिटिविटी आने के पहले का रीजन क्या है, सेंसिटिविटी आती क्यों है, अगर उसको हम लोग समझें तो देखिए, यहाँ पे टीथ है इस तरह से मान लीजिए, और टीथ की सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है इनेमल बोलते हैं उसको। बॉडी का सबसे कठोरतम पार्ट होता है, यानी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज इनेमल ऑफ टीथ। दांत के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, इसलिए आप कुछ भी खाते रहते हैं उस कवरिंग की वजह से दांत में सेंसिटिविटी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के केस में जो इनेमल है, जो ऊपर की जो कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है, या फिर कुछ लोगों में हट सकती है। तो थिन हो जाए, पतली हो जाए, या फिर हट जाए, तभी दांत में क्या आएगी, सेंसिटिविटी आएगी। और सेंसिटिविटी को बेसिकली दो टाइप से आप कर सकते हैं। एक कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी हो, यानी जिनको ठंडा भोज्य पदार्थ से दिक्कत हो जाती हो, दर्द स्टार्ट हो जाता हो, और दूसरा हार्ट से सेंसिटिविटी हो जाती हो, मतलब जिनको गर्म भोज्य पदार्थ से दिक्कत हो जाती हो। तब सीधी सी बात है कि अगर गर्म भोज्य पदार्थ से दिक्कत हो रही है तो ठंडे से आराम मिलता होगा। उसी के जस्ट उलट, अगर कोल्ड से सेंसिटिविटी है तो गर्म से आपको आराम मिलता होगा। अब कुछ लोगों के केस में न तो उनको ठंडे से आराम मिलता है, न तो गर्म से आराम मिलता है। होम्योपैथी बेहतरीन साइंस है, सबके लिए इसमें समाधान है। अगर आपको कोल्ड से सेंसिटिविटी है, मतलब गर्म भोज्य पदार्थ से आपको आराम मिलता है, आसानी होती है, तो हार्ट फूड खाना चाहते हैं आप, हार्ट फूड से एम्यूलेट करता है कंडीशन, तब उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है मैग्नीशिया फास। फर्स्ट वन इज मैग्नीशिया फास 3x। आप इसको कब लेंगे, जब गरम से आराम मिले, यानी गरम भोज्य पदार्थ लेते हैं, अगर उससे आराम मिलता है तब आप क्या यूज करेंगे, मैग्नीशिया फास। और दूसरी दवा है फेरम फास, फेरम फास 3x, जब ठंडे से आराम मिले। और तीसरे लोग जिनको किसी से भी आराम नहीं मिलता, न तो ठंडे से न तो गर्म से, दुखी हैं, कुछ भी खा नहीं पाते हैं, इन लोगों के साथ क्या है, कोल्ड से सेंसिटिविटी है तो गर्म करके खा लिया, और इन लोगों में हार्ट से सेंसिटिविटी है तो ठंडा करके खा लिया। लेकिन उसके बारे में सोचिए, जो ठंडा भी खा रहा है तब भी दर्द कर रहा है, गर्म भी खा रहा है तब भी दर्द कर रहा है, उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है साइलिसिया, साइलेसिया 3x ना, जब न तो ठंडे से और न तो गर्म से आराम, यानी न तो ठंडे से आराम मिल रहा है न तो गर्म से आराम मिल रहा है, तब क्या यूज करेंगे, साइलेसिया 3x। और चौथी एक मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। ये ऐसे लोगों का दर्द जिनको ठंडे गर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फूड सप्लीमेंट अगर टच कर जाए दांत से तो दांत में दर्द स्टार्ट हो जाता है, यानी व्हेन एनीथिंग टचेस टीथ, यानी कुछ भी भोज्य पदार्थ आप खाते हैं दांत से संपर्क में जब ही आएगा तब ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी जब भोज्य पदार्थ दांत के संपर्क में आए। दांत के संपर्क में आए तब आप क्या यूज करेंगे, कैल्केरिया फ्लोर 3x। छोटी सी बॉटल आती है कैल्केरिया फ्लोर 3x की, या फिर साइलिसिया की, सबकी 25-25 ग्राम की छोटी छोटी बॉटल आती है, पूरा ढेर सारा आपको नहीं लेना है, सिर्फ एक बॉटल आप यूज कर लेंगे उतने में दांत की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से दांत की सेंसिटिविटी से आप बच सकते हैं। अगर जिनके दांत सड़ गए हैं तो उसका अलग काज है, उसके लिए मैक्सॉल लेना पड़ेगा 30 पावर की।
सुबह में 4 बूंद। तो इनको लेने का तरीका क्या है कि 4 टेबलेट जीभ पर रख के चूसना है। इस तरह से, तो इस तरह से दांत की सेंसिटिविटी से आपको आराम मिल सकता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ भी बात समझ में आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।